हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ चैप्टर 7। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 65। सो पेज 65 पे है, व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हमीद हैड एन आर्ग्यूमेंट। सो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आयशा और हमीद में एक आर्ग्यूमेंट होता है। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीयरिंग इट द ऑयल डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमीद डिड नॉट एग्री। अब आयशा कहती है कि उसको जब बार बार अगर हम स्टीयर करेंगे तो जो ऑयल है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमीद इस चीज से एग्री नहीं करता। ही सेड लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन वाटर। तो कहते हैं ध्यान से देखो, तुम्हें जो ऑयल की येलो ड्रॉप्स है वो पानी में दिखेंगे। आयशा सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। वो कहते चलो ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं एंड फिर देखेंगे। नाउ डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हाई डू यू थिंक सो। तो आपको बताना है कि आपको लगता है पानी में ऑयल डिसॉल्व हुआ या नहीं, और आपको ऐसा क्यों लगता है। सो आई थिंक दैट द ऑयल डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सो पानी, वो जो ऑयल है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ होगा। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर सर्फेस मेड मी टू थिंक सो। अब क्यों आपको ऐसा लगता है, क्योंकि भाई हमें दिख रहा है कि वाटर के सर्फेस पे ऑयल फ्लोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे है हमारे पास रेसिंग ड्रॉप्स। सो यहाँ पे क्या करना है, आयशा पुट टू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ अ टिफिन। सो उसने अपने टिफिन बॉक्स का लिड लिया एंड उस पर उसने दो ड्रॉप्स डाली ऑयल की। नेक्स्ट टू दैट शी पुट टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की दो ड्रॉप्स डाली एंड टू ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मतलब जैसे पानी और शुगर का एक मिक्सर, जैसे चाशनी बोलते हैं वो। शी टिल्टेड द लिड, शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली व्हाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। तो उसने क्या किया, एक लिड पे जो उसका टिफिन का लिड है उस पर उसने दो ड्रॉप्स ऑयल की डाली, दो ड्रॉप्स पानी की डाली और दो ड्रॉप्स शुगर सॉल्यूशन की डाली। तो उसने जैसे ही लिड को, जैसे अब लिड सपोज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आप जब इसको डाल रहे हो, जैसे ही आपने यूं करके ड्रॉप्स तो डाल ली, जैसे ही आप उसको ऐसे करोगे तो वो नीचे आनी चाहिए, बट वो देखते हैं कि जो ड्रॉप्स है वो सब सेम स्पीड में नहीं आ रही। यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, व्हाई डिड इट स्लाइड फास्टर। तो ये चीज आप करके भी देख सकते हो। नाउ ड्रॉप ऑफ वाटर स्लाइड फास्टर देन द ऑयल ड्रॉप और शुगर सॉल्यूशन, सिंस बोथ ऑयल एंड शुगर सॉल्यूशन आर थिकर देन दैट ऑफ वाटर एंड गेट स्टक ऑन टू द बॉक्स बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्लाइड। अब जो पानी है वो तो एक सेकेंड में पूरा नीचे आ जाएगा, लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन है हमारे पास और जो ऑयल है वो जो है थोड़ा सा स्टिकी है, थोड़ा सा हेवी है, तो वो उस लिड पे चिपक जाएगा और नीचे आने में, स्लाइड करने में टाइम लगाएगा। ओके, नाउ वेयर डिड द वॉटर गो, अब पानी कहाँ गया, पढ़ते हैं इसमें क्या है। वन डे आयशाज मदर पुट सम वॉटर टू बॉइल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। तो एक दिन उसने, आयशा की मदर ने एक पैन में या किसी भी चीज में पानी रखा चाय बनाने के लिए, बॉइल करने के लिए रखा। She got busy with something and forgot about it. तो वो भूल गई पानी रख के बॉइल होना। When she remembered and came to check, she found only a few drops of water left in the pan. तो उन्होंने देखा कि जैसे अगर वो एक गिलास पानी रख के गई थी और वो भूल गई, तो जब आके उन्होंने देखा तो क्या हुआ कि सिर्फ कुछ drops of water ही बचा था। तो क्यों हुआ ऐसा, क्या होता है जब हम पानी को वार्म करते हैं, उसको आप गर्म करने के लिए गैस में रखते हो, और अगर वो गर्म होता जाएगा तो वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब उड़ जाता है पानी वाटर वेपर्स में मॉइस्चर बनके या पूरे हमारा एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड इट, थिंक वेयर डिड द वॉटर गो, तो कहाँ गया पानी। द वॉटर गॉट इवापोरेटेड hence remain less in the pan. So evaporate हो गया पानी, इसलिए पैन में पानी कम बचा। Next, why did Chitti Babu and Chinna Babu keep their mango jelly in the sun? अभी आप सोच रहे हो कहाँ से आ गया। So remember हमने एक chapter किया था mangoes around the year, तो उसमें था ना कि जब वो उसका वो बनाते हैं तो mango का जो पन्ना वगैरह बना रहे होते हैं या वो पापड़ वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मैंगो जेली को बाहर धूप में रख देते हैं। Why? Because अब यहाँ पे चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू keep kept their mango jelly in the sun so that the water in it gets
इवैपोरेटेड। जैसे यहाँ पे हमने देखा गैस पे रखा पानी को गर्म कर रहे हैं तो वो इवैपोरेट हो रहा है, इसी तरह से जब वो उसे सूरज में रखेंगे तो वो सूरज की वजह से वो गर्म होगा, और जैसे ही वो गर्म होगा उसके अंदर जो भी वॉटर है वो इवैपोरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे, At your house, what things are made by drying in the sun? So, हमारे घर में ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो धूप पे सुखा के बनती हैं? At my home, they prepare papad, pickle, साबुदाना पापड़, mango jelly by drying in the sun. So, ये सारी आइटम्स हैं जो हम भी जैसे अपनी छतों पे, बालकनी में जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है? So, this was our page number 65. Now, we'll move to the next page. So now coming to page number 66, also this is the last page. So यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर टॉपिक है दांडी मार्च। तो पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ था। This incident took place in 1930. तो ये कितनी पुरानी बात है, 2021 चल रहा है और ये कब की बात है, 1930 की। Before India became independent, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी उससे पहले की बात है ये। For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. तो एक law बनाया हुआ था जिसमें लोग खुद नमक नहीं बना सकते। They had also put a heavy tax on salt. और salt पे उन्होंने काफी heavy tax, मतलब अब उन्हीं से ब्रिटिशर्स से खरीदना पड़ेगा और उस पर जो tax है वो भी बहुत ज्यादा था। By this law, people could not make salt even for use at home. So, इस law की वजह से वो खुद नमक नहीं बना सकते थे, अपने घर में use करने के लिए भी नहीं बना सकते थे। How can anybody live without salt? और नमक के बिना रहना is not possible. हम घर दिन में इतनी बार जो खाना खाते हैं उसमें जितने भी आपके meals होंगे सब्जी में salt डलता ही है, या जो हम snacks वगैरह लेते हैं उसमें भी salt होता है, तो बिना salt के life is not possible. Now, गांधी जी सेड हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन। नाउ सी, अब ये जो सॉल्ट है जो कहाँ से मिलता है, बेसिकली जो ओशन में वाटर है वो सॉल्टी होता है, उसी में से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो गांधी जी बोलते हैं कि कोई ऐसा लॉ कैसे बना सकता है कि जो चीज नेचर ने दी है वो ही हम फ्रीली यूज ना कर सके। ओशन का पानी वगैरह सब नेचर से हमें मिला है, तो उस पे लॉ बनाना गलत है। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा, यात्रा बेसिकली मींस एक लॉन्ग वॉक पे जाना, ठीक है। देन फ्रॉम अहमदाबाद टू दी दांडी सी शोर टू गुजरात, तो अहमदाबाद से गुजरात तक का उन्होंने वो वॉक किया। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। और वो कहां, गुजरात में कहां तक गए थे, दांडी सी शोर है वहां तक, इसलिए इसका नाम दांडी मार्च है। नाउ डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड, क्या आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है। द सी वॉटर इज कलेक्टेड इन शेलो बेड्स डग इन द सैंड। तो जितने भी जो सी वॉटर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है एक शेलो बेड्स में जो कि डग किए जाते हैं सैंड में। वॉटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, और देन उसमें से जो पानी, हमने देखा ना सूरज में गर्मी से पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको पानी वहां से ड्राई अप हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, इसे सूरज में रख दिया जाता है। आफ्टर द वॉटर ड्राइज दिस सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, और जब पानी सारा इवेपोरेट हो गया तो उसमें सिर्फ सॉल्ट बचती है। ठीक है, सो ये था अबाउट दांडी मार्च। नाउ चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। लास्ट में जैसा कि हमारे पास हर बार होता है, वॉट वी हैव लर्न, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, लेट्स क्विकली गो थ्रू देम। यू हैव वॉश योर हैंडकरचीफ एंड यू वॉन्ट टू ड्राई इट क्विकली, वॉट ऑल कैन यू डू। अब आपने अपना एक हैंकी, छोटा सा हैंकी होता है, उसको वॉश किया और आप चाहती है फटाफट से इसको सुखाना है, तो क्या कर सकते हैं। टू ड्राई द वॉश हैंडकरचीफ फर्स्टली वी कैन स्क्वीज एंड स्प्रेड इट आउट प्रॉपरली, तो अच्छे से उसको स्क्वीज करना। आपने देखा होगा जब भी मम्मा कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, आजकल तो ऑटोमेटिक होती है वैसे वॉशिंग मशीन, बट कभी हाथ से कुछ वॉश करे तो अच्छे से उसको स्क्वीज किया जाता है कि उसमें जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए, एंड देन उसको स्प्रेड करके रख दिया जाता है, पंखे के नीचे रख दो या बाहर बालकनी वगैरह में हैंग कर दो जिससे कि वो जल्दी से सूख जाए। एंड स्प्रेड इट आउट प्रॉपरली एंड लीव इट टू ड्राई इन दी सन। वी कैन ऑल्सो यूज आयरनिंग टू ड्राई दी हैंडकरचीफ, ये भी हो सकता है। अगर बहुत ही जल्दी में कहीं जाना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, मतलब जैसे ही प्रेस से गरम गरम प्रेस पे मारोगे तो फटाफट से सूख जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, व्हिच ऑफ दोज थिंग्स डिसॉल्व इन
वॉटर। सो हम टी बनाने के लिए क्या क्या चीजें पानी में डालते हैं और उन चीजों में से कौन कौन सी चीजें डिजोल्व हो जाती है। फर्स्टली टू प्रिपेयर टी वी नीड टू एड शुगर, शुगर डलती है, टी पाउडर डलता है और मिल्क डलता है। देखो इसमें से शुगर जो है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, मिल्क जो है वो भी डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो टी पाउडर है वो नहीं डिजोल्व होता है। इसे जब भी चाय बनाते तो उसके बाद छन्नी की हेल्प से हम उसको स्टेन करके पीते हैं ताकि जितने भी ये टी पाउडर जो उसमें बचा होता है वो सारा छन्नी से स्टेन हो जाए। ठीक है, सो मिल्क एंड शुगर गेट्स डिजोल्व इन वॉटर वाइल द टी पाउडर सेटल्स डाउन एट द बॉटम। लेटर बाय यूजिंग स्ट्रेनर वी कैन ऑब्टेन टी। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू हैव बीन गिवन सम मिश्री, मिश्री पीसेस सबको पता होंगे मोस्टली प्रसाद में मिलता है, शुगर की तरह ही होता है वो, विच इज लम्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व देम क्विकली। अब कुछ आपको वेज बताने जिससे कि हम उसे क्विकली डिजोल्व कर सके। अगेन शुगर की तरह ही है वो, सो लम्स ऑफ शुगर कैन बी डिजोल्व बाय एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वॉटर एंड पुटिंग इट ऑन लो फ्लेम। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके उसको गैस पे रख दो लो फ्लेम पे, तो कुछ टाइम में वो अपने आप ही पानी के साथ डिजोल्व हो जाएगी। या फिर लम्स ऑफ शुगर कैन बी क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब वो सारी मिश्री को आप एक साथ क्रश आउट कर सकते हो छोटे छोटे पीसेस में, एंड देन लेटर बाय एडिंग वाटर टू इट एंड बी हीटेड ओवर फ्लेम एंड कंटिन्यूसली स्टिरिंग रिजल्ट इन डिजोल्विंग। तो उसको उसके छोटे पीसेस में और कर लो एंड देन पानी ऐड करके उसको स्टिर करते रहो, उससे भी वो डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा पेज नंबर 66। सो नाउ विद दिस पेज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज लीव इट इन दी कमेंट्स बिलो। नाउ आई विल सी यू ऑल अगेन विद द न्यू चैप्टर इन द न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।